नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चीना इन द किचन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो जैसा कि आप वीडियो का नाम देखकर समझ गए होंगे कि यह है लेज़ी रेसिपी, यानी कि हमें मेहनत तो ना के बराबर ही करनी है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है एक कटोरी में आटा। तो हम 4 टेबलस्पून आटा लेंगे, एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और उसमें 4 टेबलस्पून आटा डालेंगे। ये गेहूं का आटा है और अब हमें इसमें पानी मिक्स करके इसका थिन बैटर बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और विस्क या स्पैचुला से मिक्स करते रहेंगे। तो दो दो टेबलस्पून करके हम इसमें पानी मिक्स करते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि सारा पानी एक साथ डाल देंगे तो इसमें लम्स बन सकते हैं। और ये जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे हमें इसको बनाने में, ट्रस्ट कीजिए, सिर्फ 2 मिनट। और जब आप घर पे अकेले हो, आपको भूख लगे और खाना बनाने के लिए आपका मेहनत करने का बिल्कुल भी मन ना हो, रोटी बनाने के लिए आटा गूंदने का मन ना हो और कुछ क्रिस्पी स्नैक खाने का मन हो, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और गेहूं का आटा तो हमेशा हमारे घर में होता ही है और इस रेसिपी के लिए हमें सिर्फ गेहूं का आटा और कुछ स्पाइसेस चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आटे में पानी मिला लिया है। यहाँ पर मैंने टोटल 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी यूज़ किया है। और अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। और 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्च और 2 से 3 पिंच गरम मसाला। और बस इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और कंसिस्टेंसी हमने इसकी बिल्कुल ही थिन रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको क्रिस्पी बनाना है तो बैटर को बिल्कुल थिन बनाना होगा। तो बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर लेनी होगी। तो बैटर तो हमारा बिल्कुल रेडी है, तो चलिए चलते हैं गैस के चूल्हे की तरफ। तो यहाँ मीडियम फ्लेम पर मैंने नॉनस्टिक पैन रख दिया है गैस पर। और अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 टेबलस्पून ऑयल या घी। ऑयल को पैन पे चारों तरफ फैला देंगे और उसके बाद हम इस पर बैटर डालेंगे। तो बैटर इस तरह से डालेंगे कि वो पूरे पैन पर फैल जाए। वैसे तो बहुत ही थिन बैटर है तो ये अपने आप ही पैन की शेप ले लेगा। तो बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालेंगे हमें, बिल्कुल पतला यहाँ पर चीला बनाना है, क्योंकि पतला चीला होगा तो ही क्रिस्पी बनेगा। तो 4 टेबलस्पून आटा हमने लिया था, इतनी क्वांटिटी में आप 2 चीले आराम से बना सकते हैं। तो अभी इसको एक तरफ से अच्छे से सिकने देंगे और फ्लेम हमें लास्ट तक मीडियम ही रखना है इस रेसिपी में। तो चीला हमारा सेट होना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। और तो इस तरह से हम स्पैचुला से चेक कर लेंगे कि ये नीचे से हल्का हल्का सिक गया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे से थोड़ा सिकना स्टार्ट हो चुका है और अभी जब ये ऊपर से थोड़ा सा और सेट हो जाएगा तो फिर हम इसको पलट लेंगे। तो इसको पलटने के लिए मैंने इसके ऊपर एक प्लेट रख ली है और अब हम पैन को इस प्लेट के ऊपर उल्टा कर देंगे और अब दूसरी तरफ से भी इस चीले को क्रिस्पी कर लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये चीला। आप इसको टमेटो केचप या धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं या अचार के साथ भी खा सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा पराठे खाने का मन कर रहा होता है, आटा गूंदने का मन नहीं कर रहा होता, तो तब के लिए भी बेस्ट है ये रेसिपी। आप इसको जल्दी से अपने घर में ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। दी एंड।